गुजरात के राजकोट में दर्दनाक हादसा, शिवानंद कोविड अस्पताल में लगी आग। अस्पताल के आईसीयू में लगी आग, 6 लोगों की जलने से मौत। आईसीयू में भर्ती थे 11 लोग, कुछ मरीजों की हालत गंभीर। अस्पताल में भर्ती थे कुल 33 कोरोना मरीज, सबको दूसरे अस्पताल में भेजा गया। आग की वजह का फिलहाल कोई पता नहीं चला, फिलहाल आग पर पाया जा चुका है काबू। कृषि बिल को लेकर किसानों में जोरदार आक्रोश, पंजाब और हरियाणा में बड़ी तादाद में दिल्ली कूच। हजारों की तादाद में पानीपत में डटे किसान, दिल्ली में सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए धीमी की रफ्तार। राजधानी की ओर बढ़ते किसानों के हुजूम को देखकर दिल्ली के बॉर्डर सील, बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। किसानों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती, कोरोना को देखते हुए नहीं दी गई आंदोलन की इजाजत, ड्रोन से रखी गई नजर। पंजाब से चले किसानों को हरियाणा में रोकने की हुई पूरी कोशिश, अंबाला पटियाला हाईवे पर जोरदार हंगामा। दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल का फेज 3 शुरू, न्यूरोसाइंस सेंटर के चीफ सहित 3 लोगों को दी गई पहली खुराक। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,400 से ज्यादा नए मामले, 5,45,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 91 लोगों की मौत, अब तक 8,800 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है कोरोना। देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मामले, 92,66,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 524 लोगों की मौत, अब तक 1,35,000 की जान ले चुका है कोरोना। गंगोत्री और यमुनोत्री घाटी में शीतलहर का प्रकोप, लगातार हो रही बर्फबारी का असर। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बीच हो रही शादी, आसमान से गिरती बर्फ में बारात लेकर निकला दूल्हा। जम्मू कश्मीर में फिर शुरू हुई बर्फबारी, तापमान में गिरावट, शीतलहरी के हालात। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में जारी है सड़क से बर्फ हटाने का काम, बर्फबारी की वजह से ठप हुआ यातायात। हिमाचल के मंडी में सीजन की पहली बर्फबारी, ऊंचे पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। फुटबॉल के शहंशाह माराडोना को श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति के दफ्तर में रखा गया पार्थिव शरीर, आज होगा अंतिम संस्कार। माराडोना के निधन से सदमे में हैं दुनिया भर के प्रशंसक, इटली में स्टेडियम के बाहर जमा होकर लोग पहुंचे। भारत में माराडोना के दीवानों में शोक की लहर, कोलकाता में चाहने वालों ने दी अपने प्रिय खिलाड़ी को श्रद्धांजलि। हुगली में माराडोना के एक फैन ने बेटे का नाम रखा है डियागो, फुटबॉल खिलाड़ी बनाना है सपना। थैंक्सगिविंग डे के मौके पर जो बाइडेन ने लोगों को दिया संदेश, कोरोना से बचने के लिए बड़े समारोहों से दूरी बनाने और मास्क पहनने की दी सलाह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।